Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I will teach you noun and number. जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको पिछली जो वीडियो बनाई थी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं आपके, और नाउन के टाइप्स कराए थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, और उनके बारे में मैंने बताया था. तो नाउन के चैप्टर में बस यही होता है. उससे जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसमें आता है कि नाउन एंड द नंबर. इसमें होता है स्टूडेंट कि हम जो आपकी जो नाउन होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे, और जो भी स्पेशल जो भी रूल होते हैं नाउन एंड द नंबर के अंतर्गत उनको आज हम सीखेंगे. तो जैसे कि आपकी हेडिंग से नाउन एंड द नंबर, तो नाउन तो आपको पता है, तो नंबर के बारे में हम बात करते हैं कि नंबर आपका होता क्या है. नंबर होता है इफ़ ए नाउन टेल अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर. स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि एक नाउन हमें पता चलता है कि वो सिंगल है या एक से अधिक, वो एक से अधिक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं. जैसे हाँ आपकी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, और ये आपका जो बी वाला सेक्शन है इसमें बताया गया कि बॉय एंड गर्ल और आपका पेन्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो आपका बॉय है, ए बॉय, ये क्या आपका सिंगल यानी कि ओनली वन, गर्ल एक लड़की एक पेन, ऐसे यहाँ पे बॉय बहुत सारे लड़के बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे, ऐसे पेन क्या है बहुत सारे. इससे हमें ये पता चल गया कि भाई ये जो आपके सिंगल्स होते हैं ये आपके प्लूरल होते हैं स्टूडेंट्स. तो सिंगुलर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. इफ़ ए नाउन टेल अबाउट ओनली वन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर. स्टूडेंट अगर हमें किसी नाउन को अगर काउंट करने से पता चलता है कि ये सिर्फ अकेली है अपने आप में तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर. जैसे कि ए स्टूडेंट ए बॉय यानी कि एक छात्र और एक लड़का, ए गर्ल, ए पेन, ए चेयर, ए बुक, इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को समझ सकते हो. नेक्स्ट आपका प्लूरल नंबर. इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. यानी कि अगर हम किसी नाउन को काउंट करते हैं और उससे पता चलता है कि यह नाउन क्या है आपकी एक से अधिक यानी मोर देन वन, तो उसको आप बोलते हो प्लूरल नाउन. जैसे यहाँ दिया गया आपका स्टूडेंट्स, अगर सिंगल अगर आपका इसमें एस नहीं लगता और होता केवल आपका स्टूडेंट तो हम क्या बोलते एक है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट से मतलब एक से अधिक आपके छात्र हैं. ऐसे यहाँ बताया गया कि बॉय बॉयज़ क्या है एक से अधिक लड़के. तो स्टूडेंट ये तो था आपका कि नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं आपके, प्लूरल नंबर क्या होते हैं. उसके बाद आते हैं आपके रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अभी तक तो सिर्फ हमने यहाँ एस लगा दिया और आपकी सिंगुलर से नाउन क्या है प्लूरल बन गई. लेकिन क्या होता है बहुत सारे नेम होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेम सीखेंगे इसमें. और स्टूडेंट वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसे टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे और हमसे जुड़े रहें. तो आज का फर्स्ट रूल है सीरीज़ में, रूल है जनरली किसी भी नाउन के अंत में हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं. स्टूडेंट ये तो मैंने आपको जैसे हमने आर्टिकल कराया था या सिंटेक्स कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी नाउन होती है और उस नाउन के अंत में अगर हम एस या आई एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये फर्स्ट रूल है, अगर हम किसी नाउन के अंत में अगर हम एस जोड़ेंगे यानी टेल फॉर्म में यानी पूछ साइड में यानी पीछे की साइड में अगर हम एस को जोड़ते हैं तो वो प्लूरल नंबर में काउंट हो जाएगी. जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया फैन, फैन सिंगुलर क्या हो गया पंखा यहाँ पे, और फैंस क्या हो गया आपके बहुत सारे पंखे. ऐसे पेन पेंस, डॉग डॉग्स, शर्ट शर्ट्स. तो स्टूडेंट ये था आपका फर्स्ट रूल कि अगर हम किसी भी नाउन को जनरली अगर हम प्लूरल में काउंट करते हैं तो आप एस जोड़ करके उसको बना सकते हैं. नेक्स्ट रूल है आपका सेकंड रूल इज यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस डबल एस या एस एच सी एच और एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं. जैसे कि यहाँ बताया गया आपका स्टूडेंट कॉमन नाउन, कॉमन अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वो क्या है उसके पीछे अगर आपका एस
एस डबल एस आता है या एस एच आता है या सी एच या एक्स या आपका जेड, तो उसके पीछे स्टूडेंट हम सी सॉरी ई एस जोड़ेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सिंगुलर अगर हम जनरली जोड़ते हैं तो एस जोड़ते हैं, बाकी ये आपकी स्पेशल रूल है ये मानिया। आप अगर इन रूल को अगर समझ गए तो आप ज़िंदगी में कभी भी नाउन के चैप्टर में कभी भी आप एरर नहीं करोगे। तो यहाँ बताया गया है कि बस बस आपका कॉमन नाउन होता है स्टूडेंट्स, और बस के पीछे मैंने क्या बताया, ई एस आपको ऐड करना होता है टेल फॉर्म में। तो हमने बस का बसेज बना दिया, किसका किसे, ग्लास ग्लासेस, वॉच वॉचेस, बॉक्स बॉक्से, क्विज क्विजेस। तो स्टूडेंट आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपकी जो भी सिंगुलर से प्लुरल बनाना आपको जो बता रहा हूँ, ये जो वर्ड मीनिंग है ना, आप इनको लर्न करने की आदत डालिए, इससे क्या आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई मीनिंग नहीं आती तो डिक्शनरी के बहुत सारे ऐप आते हैं, आप वहाँ से उन्हें सर्च कर सकते हो और वहाँ पर इन मीनिंग को आप सर्च कर सकते हो, ताकि आपकी वोकैब क्या है स्ट्रांग रहेगी। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि हम सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर अगर बाई हो और बाई से पहले कोई कंसोनेंट हो, तो बाई को हम आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। स्टूडेंट इस रूल्स का मीन्स ये है कि अगर आपकी कोई भी कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन है तो उसमें क्या है लास्ट अक्षर क्या है आपका वाई, तो बाई से पहले अगर हम कोई भी कंसोनेंट यानी कि ए आई ओ यू को छोड़ने के बाद जो भी आपके 21 कंसोनेंट जो होते हैं वर्डमाला में अल्फाबेट्स में, उनमें से अगर कोई भी वर्ड आता है तो हम वाई को आई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। या आपके सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में या आपका प्लूरल फॉर्म में। देखो फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल लेडी, तो स्टूडेंट यहाँ लेडी में वाई आया है, वाई से पहले आपका क्या आया है डी, और डी क्या होता है आपका कंसोनेंट होता है, तो इसलिए वाई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया आपका आई एस में, लेडी का लेडीज। सिटी सिटीज, आर्मी आर्मी, पोनी पोनीज, और ये आपका सेक्रेटरी का सेक्रेटरीज, लिली का लिलीज, नर्सरी का नर्सरीज, बेबी का आपका बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज, फ्लाई का फ्लाइज, ड्यूटी का ड्यूटीज, सिक्योरिटी का सिक्योरिटीज, सैलरी का सैलरीज, ऑफ ट्री का ऑफ ट्रीज। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ लास्ट अक्षर क्या है आपका, सब में वाई आ रहा है। देखो सबके लास्ट में आपका बाई है और बाई से पहले सब में आपका कंसोनेंट यूज़ किया गया है, तो इसकी इसलिए हमने आई एस जोड़कर इसका प्लूरल फॉर्म बनाया है। लेकिन इसमें आपको बताया, लेकिन यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एस सी एन मीन सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट अक्षर वाई तो है, लेकिन वाई से पहले अगर कोई वॉवल हो तो सिर्फ हम एस जोड़ते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ मैंने बताया था, देखो इसमें भी वाई आता है इसमें भी वाई आता है, लेकिन जब हम आई एस तब जोड़ते हैं जब वाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट हो, अगर सिंगुलर नाउन का लास्ट अक्षर वाई हो और वाई से पहले आपका अगर वॉवल दिया गया हो तो केवल वहाँ पर हम एस को ही ऐड करते हैं। जैसे यहाँ आपका प्ले है, तो प्ले में पी एल ए वाई होता है, तो वाई क्या है आपका वाई से पहले आपका क्या यूज़ किया गया ए, और ए क्या होता है आपका वॉवल होता है। टॉय में क्या आपका ओ, ओ क्या होता है आपका वॉवल से होता है। तो आपका अगर वाई है वाई से पहले अगर आपका वॉवल है तो जो वाई है उसके केवल बाद में हम केवल एस ऐड करते हैं स्टूडेंट, इससे क्या है सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ आपका प्ले है तो प्लीज, टॉय का टॉयज, वैली का वैलीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पे पेस, मंकी का मंकीज, जर्नी का जर्नीज, वाई का वाइस, रे का रेज, और स्टोरी का स्टोरी, डंकी का डंकीज, की का कीस, चिमनी का चिमनी। तो स्टूडेंट ये क्या है आपकी लास्ट अक्षर सब में बाई है और बाई से पहले देखो सब में आपका वोवल यूज़ किया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल एस को ऐड किया है। नेक्स्ट रूल आपका, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, ओ के पहले कोई भी आपका अगर कंसोनेंट आता है, कंसोनेंट मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, ए आई ओ यू को छोड़ने के बाद यानी पांच जो आपके वॉवल होते हैं उनको निकालने के बाद आपके बचते हैं 21 कंसोनेंट, और 21 कंसोनेंट आते हैं यानी लास्ट अक्षर आपका ओ है और ओ से पहले अगर आपका कोई भी कंसोनेंट है तो वहाँ हम केवल ई एस जोड़ करके सिंगुलर नाउन से हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए एग्जांपल दिया गया है, सिंगुलर फॉर्म है, इधर आपका प्लूरल फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ है फर्स्ट में आपकी पार्टेटो, तो लास्ट क्या क्या आपका स्टूडेंट ओ है और ओ से पहले आपका लिया है हमने यहाँ पे टी,
और टी आता है आपका कंसोनेंट में, तो इसलिए हमने पटोटो का आपका पटेटोज बना दिया, बफेलो का बफेलोज, नीग्रो का नीग्रोज, टारपीडो का टारपीड, कैल्को का कैलग्योज, ठीक है, टमाटो का टमाटोज, मैंगो का मैंगोज, हीरो का हीरोज, मोटो का मोटोज। स्टूडेंट जो मोटो होता है ये इसे बोलते हैं हम कावत। ये आपका वेलिकनो, वेलिकोनोस यानी ये ज्वालामुखी बोलते हैं आप इसको, वेलिकनो। नोट दिया गया कि कैलको होता है वाइट अनप्रिंटेड क्लॉथ। स्टूडेंट जो आपका ये यहाँ पर आपकी मीनिंग आई है आपकी कैलको, तो कैलको मीन्स हो गया स्टूडेंट वाइट अनप्रिंटेड क्लॉथ, यानी कोई कपड़ा होता है वो वाइट होता है और उस पर क्या होता है वो अनप्रिंटेड होता है, उसको बोलते हैं कॉल। यहाँ इचको, इको, इको मीन्स क्या होती है गूज, साउंड, हैवी साउंड जो होता है, इकोज बना दिया। मैनफिस्टो का मैनफोस्टिज बना दिया, नॉर्मेंटो का मोरमेंटो का मोरमेंटोज, वीटो का वीटोज, हीओ हीलो का हीलोज, एस्किमो का एस्कोमीस, ग्रेटो का ग्रेटोज। तो इनमें क्या हुआ स्टूडेंट कि जो भी आपका लास्ट क्या है आपका ओ है, और ओ से पहले हमने क्या यूज़ किया है कि कोई भी आपका कंसोनेंट आया, देखो इसमें देखो कोई भी मीनिंग देख लो आप इसमें से, सब में आपका ओ से पहले आपका हमारा कंसोनेंट यूज किया गया है, और जब हमने कंसोनेंट यूज़ किया है तो हमने केवल इसमें ई एस को ऐड किया है। यहाँ बताया कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिनमें लास्ट में ओ तो रहता है लेकिन ओ से पहले हम केवल एस जोड़ते हैं और उनको हम प्लूरल बनाते हैं। देखो अब इसमें देखो ई एस भी जोड़ करके हमने प्लूरल बनाया है और केवल हम एस जोड़ कर ही बनाएंगे। एस कब जोड़ते हैं ये देखो, यहाँ एग्जाम्पल दिया आपको, फोटो का फोटोज, किलो का किलोज, डायनोमो का डायनोमोज, कमांडो का कमांडोज, सोलो, ये स्टूडेंट सोलो मीन्स होता है गायन, सिंगिंग जो होता है आपका उसका बनेगा आपका सोलोज। सेंट्रो का सेंट्रोज यानी केंद्र होता है, और ये आपका पेरी, ये मीनिंग आपका प्रोवाइस यानी शर्त होता है प्रोवाइस, और मियोस्टो, मियोस्टो यानी ये भी आपकी कुछ मीनिंग होती है। तो इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है आपका 5, इसमें बताया कि यदि हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर ओ है और उससे पहले अगर आपका वॉवल हो तो सिर्फ हम एस जोड़ते हैं। अभी मैंने इससे पहले जो आपका रूल कराया था उसमें बताया था स्टूडेंट कि अगर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट स्ट्रक्चर आपका अगर ओ है और उससे पहले अगर आपका कोई भी कंसोनेंट है तो वहाँ पर हम ई एस जोड़ करके हमने क्या बनाया था प्लूरल फॉर्म बनाया था सिंगुलर नाउन का, और अगर उससे पहले अगर आपका कोई भी वॉवल है तो हम ओनली एस लगाते हैं। सिंगुलर फॉर्म दिया गया है, यहाँ आपका प्लूरल फॉर्म दिया गया है। तो बॉम्बो, बॉम्बो क्या होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम बांस बोलते हैं, तो बॉम्बोज यानी यहाँ आपका डबल ओ है, ये भी ओ क्या होता है उससे पहले ओ आपका बॉबल होता है, आई आपका बॉबल होता है, आई भी यहाँ, ई भी आपका बॉबल होता है, आई भी बॉबल होता है यहाँ पर। तो केवल अगर लास्ट स्ट्रक्चर आपका ओ है, हम सब ने यहाँ पे देखो जैसे बॉम्बो है तो बॉम्बो में ओ आया और उससे पहले आपका आया बॉबल, तो केवल हमने क्या ऐड किया ओनली एस यानी बॉम्बोज। ये आपका कोई भी कलाकृति होती है क्योरिको तो क्योरेस बना दिया हमने, ये आपका पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो, स्टेनरियो तो स्टेनरियो, वीडियो का वीडियोज बना दिया, सीनरी का सीनरीज बना दिया। सीनरीज बोलते हैं स्टूडेंट कोई भी दृश्य यानी कोई भी देखने लायक जो चीज़ होती है उसको हम सीनरी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कॉमियो, तो कॉमियोज ये होती है नक्काशदारी, एक तरह की सी डिजाइन होती है उसको बोलते हैं आप नक्काशदारी कॉमियोज। नेक्स्ट है आपका कुक्कू यानी कोयल, तो कुक्कू में आपका लास्ट वर्ड क्या आपका ओ है और उससे पहले हमने ओ आया है यानी कि ये भी आपका वॉवल है, वॉवल के साथ हम केवल ओनली एस ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पे कुक्कूज, रेशियो का रेशियोज, फेलियो का फेलियोज, रेडियो का रेडियोज। तो स्टूडेंट ये था आपका ओ का रूल और वाई, अगर जैसे मैंने आपको वाई वाले रूल में बताया था अगर लास्ट में वाई है तो आई एस ऐड करते हैं अगर कंसोनेंट हो, और अगर आपने लास्ट ईयर वाई और वाई से अगर आपका पहले वॉवल है तो वहाँ केवल हम हमने ई एस ऐड किया था। ऐसे ही हमारा ओ का रूल था, अगर ओ है लास्ट अक्षर सिंगुलर काउंटेबल नाम का और उससे पहले अगर हमने कोई भी कंसोनेंट यूज़ किया है तो वहाँ पर हम ई एस ऐड करते हैं, अगर आपका लास्ट अक्षर ओ है और उससे पहले आपका वॉवल है तो वहाँ केवल हम एस ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 6,
किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो, तो एफ और एफ ई को क्या करते हैं स्टूडेंट, हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम वी ई एस जोड़ देते हैं और उसको हम क्या बना देते हैं प्लूरल फॉर्म। जैसे अगर आपसे पूछे कि वाइफ पत्नी की प्लूरल फॉर्म बनाओ, तो स्टूडेंट क्या आ गया कि पता नहीं वाइफ है तो एस लगा देते हैं, तो वो क्या स्टूडेंट गलत हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे बोल दिया जाए आपको हाफ का बनाओ, हाफ माने आधा, लाइफ लाइफ जीवन का आप प्लूरल फॉर्म बना दें इंग्लिश में, कैसे बनाओगे भाई, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका, जैसे वाइफ है तो वाइफ क्या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका, सॉरी कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है आपका वाइफ, और आप आपसे बोला गया कि वाइफ का आपको क्या बनाना है स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो आपको क्या ऐड करना है, जो आपका एफ ई दिया गया है ना, ये जो आपका एफ ई है या एफ है, तो उसको हम क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर हम ऐड करते हैं बी एस, तो वाइफ का आपका बन गया वाइफ। कई बार ये एग्जाम्पल में आपका आ जाता है, एग्जाम में भी आ जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लिया। जनरली कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो अच्छा ये बताओ वाइफ एक पत्नी का अगर आपसे बोला जाए तो कैसे आप प्लूरल फॉर्म बनाओगे, तो आपको ऐड ध्यान रखना है कि एफ ई को हम रिमूव कर देंगे और उसी पर आपको ऐड करना है वी ई एस, ऐसी काफ काल्व्स थीप थीप्स हाफ हाफ। स्टूडेंट एल क्या है यहाँ पे, ये आपका साइलेंट रहता है तो हाफ बोलते हैं इसको, आपका बन जाएगा हाफ। लाफ लाफ सेल्फ स्लैप एल्फ एल्फ होता है पिसाज, आपने मूवी देखी होगी द विचर, तो उसमें कई बार ये कई सारी हॉलीवुड मूवी हैं उनमें ये वर्ड यूज़ किया गया है इल्फ। इल्फ क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जो पिसाच होते हैं या चुड़ैल वगैरह होते हैं उनसे रिलेटिव वर्ड होता है आपका इल्फ। वॉल्फ वॉल्फ ये आपका होता है पुलिंदा, सीप स्लीप लीफ लीप्स नाइफ नाइफ लाइफ लाइफ्स लाइफ्स हो गया। तो ऐसे आप स्टूडेंट किसी को भी आप बता सकते हो कि आपने किस नाम का सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म कैसे बनाओगे, आप एक मिनट में बता दोगे। बढ़ते नेक्स्ट रूल की तरफ, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट एफ डबल एफ और एफ ई रहते हैं, लेकिन सिर्फ हम एस जोड़ते हैं। देखो स्टूडेंट मैंने आपको दोनों चीज़ बताएं कि हम कहाँ पर एस ऐड करते हैं, कहाँ पर ई एस जोड़ करेंगे, या कहाँ पर हम आई एस या बी एस कैसे ऐड करेंगे। अभी मैंने रूल नंबर सिक्स में आपको तुरंत पढ़ाया गया कि कोई सिंगुलर नाउन है और उसके लास्ट में आपका एफ है या एफ ई है, तो हम उसको रिमूव करके क्या ऐड करते हैं ओनली वी एस ऐड करते हैं। लेकिन नेक्स्ट रूल में आप कहोगे सर ने ये क्या बता दिया भाई, नया रूल आ गया कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है कि जिनमें एफ है डबल एफ और एफ ई है, ये तो सेम मिलता जुलता है, फिर यहाँ आपने एस क्यों लगवा दी। तो स्टूडेंट बात ऐसी है कि ये कुछ नाउन है, जो नाउन है जिनमें केवल आपका एस ऐड होता है, वो मैंने यहाँ पर अलग लिए गए हैं, तो आप इन चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे चीफ है तो चीफ में एफ आ रहा है, अब आप ऊपर वाले रूल से लगाओ तो बी एस लगाओ, लेकिन क्या स्टूडेंट्स वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ नाउन है, आप इन नाउनों को आप याद रख सकते हो। चीफ प्रधान बोलते हैं जिसको आप, बिलीव माने विश्वास होता है स्टूडेंट, और आपका ये आपका क्लिफ होता है चट्टान, तो इसमें क्या होता है हम केवल एस ऐड किया। देखो चीफ का चीफ्स बना दिया, विश्वास यानी बिलीव का बिलीव्स बना दिया, क्लिफ का क्लिफ्स बना दिया। तो जो भी यहाँ पर आपको एस ऐड करना है, वो स्टूडेंट मैंने सारे नाउन को एक साथ यहाँ पर लिख लिया है, आपको यहाँ से आप इनको लर्न कर लीजिएगा। आपको कभी भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाते समय कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरे आपसे गारंटी है। जैसे यहाँ देखिए डाफ, डाफ क्या होता है बौना, कोई भी बौना जो व्यक्ति होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप डाफ, तो इसका एफ ओनली क्या ऐड करना है आपको, सिर्फ एस ऐड करना है। या ग्रीफ शोक दुख बोलते हैं, ग्लूमी बोल सकते हो आप, सैडनेस बोल सकते हो, तो उसको आप ग्रीफ्स बोलोगे। या आपका गुलबंद है ये स्कार्फ, तो स्कार्फ एस लगा दिया। गोल्फ माने गाड़ी होता है, खाड़ी होता है, तो आप वे बोल सकते हो यहाँ पे, तो गोल्फ बन गया। नेक्स्ट है आपका हैंडकरची, रूमाल जिसको आप बोलते हो, तो रूमाल का भी आप बना सकते हो, ओनली एड एस आपको ऐड करना है, हैंडकरची बन जाएगा। हुफ, हुफ माने क्या होता है फूट होता है, उसको आप हुफ्स बोल सकते हो। रूफ, रूफ माने क्या होता है इसमें छत होती है, द लेयर ऑफ एनी जो भी आपकी जो बिल्डिंग होती है उसकी जो लेयर होती है ऊपर वाली, उसको बोलते हो रूफ बोलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये रूफ हो जाएगा। रूफ के बाद आपका यहाँ पर मिसचीफ यानी संकरा या कोई भी क्षति यानी डेस्ट्रॉयनेस, तो मिसचीफ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पफ, पफ माने क्या होता है स्टूडेंट हवा का
झोंका, तो उसको आप बोल सकते हो फफ्स हो जाएगा। रीफ है, चट्टान का वो भाग जो समुद्र के पानी में खड़ा होता है। जैसे आपने आइसलैंड वगैरह होते हैं तो उनके आसपास में आपने देखा हो कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जो समुद्र में बाहर निकले होते हैं, उनको आप बोल सकते हो रीफ्स। नेक्स्ट आपका स्टाफ। स्टाफ मीन्स क्या होता है? स्टाफ होता है कि कहीं भी कोई भी जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो उनके जो फेलो होते हैं, साथी होते हैं, उनको बोलते हो आप स्टाफ। तो स्टाफ का बनेगा आपको एस ऐड करना है तो आप स्टाफ्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टर्फ। टर्फ होता है, ये आपका होता है घास का मैदान बोलते हो आप इसे, यानी ग्रास लैंड, यानी इसको बोलते हो आप ट्रॉप्स। नेक्स्ट आपका वार्फ यानी घाट होता है, तो वार्फ बोल सकते हो आपसे। नेक्स्ट आपका कैफ। कैफ होता है सराफ या कॉफ़ी की दुकान को, आपने कैफे सुना होगा तो उसको आप कैप्स बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका स्ट्राइप। स्ट्राइप होता है कलह, विरोध या विवाद, यानी झगड़ा जो होता है उसको आप बोल सकते हो स्ट्राइप्स। नेक्स्ट आपका सेफ। सेफ यूज किया जाता है तिजोरी, जहाँ पर आप अपने रुपया माल को आप रखते हो, जहाँ पर सामान को कीमती को, उसको बोलते हैं आप सेफ, तो उसका बन जाएगा सेफ। तो स्टूडेंट ये क्या, ये मैंने जितने भी नाम थे जिनमें आपको ऐड क्या ऐड करना था, ओनली एस, तो मैंने यहाँ सब लिख लिए हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन कुछ यहाँ बताया, जैसे हुफ है, तो हुफ में एफ आ रहा है तो आप VES ही बना सकते हो, और आप उसको ओनली एस से भी बना सकते हो। अगर यहाँ अगर BES से ऐड करेंगे तो हमको रिमूव करना होता है, आपको पता है था मैंने भी, तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इसको, तो ओनली BES ऐड करना है आपको इसमें। नेक्स्ट ऐसे स्कार्फ, तो स्कार्फ्स, और अगर हम एफ ऐड करेंगे तो ये एफ है आपका रिमूव हो जाएगा ऐसे। ये आपका रैप। स्टाफ है, तो स्टाफ में से आप स्टाफ्स भी बना सकते हो और स्टाफ्स भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट टूर है आपका स्टूडेंट, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच में क्या होता है, वॉवल्स को हम अदल बदल कर देते हैं, चेंज ऑफ वॉवल्स, यानी वॉवल्स को एक दूसरे को इधर उधर चेंज कर देते हैं और उनको बना देते हो आप प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ये आपके कुछ नाउन हैं जिनको हमको क्या करना होता है, प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे आपका होता है फुट, तो फुट में क्या होता है, डबल वॉवल्स आए हैं तो उनको क्या है, फीट बना दिया, तो फीट में क्या हुआ स्टूडेंट, हमने चेंज कर दिया ओ को ई में। नेक्स्ट आपका डोरमाइस, ये गिलहरी बोलते हैं इसको आप, तो डोरमाइस, तो ओ को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका गोज, तो गीस कर दिया, यानी कलंस जो होते हैं। नेक्स्ट है वूमेन। वूमेन का जब हम यहाँ यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म में तो MAN होता है, और जब हम इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर हम इसको MEN यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका लूज, यानी जू बोलते हैं जिसको आप बोलते हो, लाइज अगर प्लूरल फॉर्म बनाते हो, तो ई है यानी यू है, उसको हमने सी में कन्वर्ट करके यहाँ पर ई ऐड कर दिया। मैंने सिंगुलर फॉर्म में तो MAN यूज़ करते हैं, जब उसका प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो ई, यानी ई जो वॉवल था उसको चेंज कर दिया स्टूडेंट हमने ई में। नेक्स्ट आपका टूथ, टूथ को हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर टीथ में। नेक्स्ट है चाइल्ड, तो चाइल्ड का बना दिया फुल फॉर्म हमने चिल्ड्रन, और ऑक्स का बना दिया ऑक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 9, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच के वॉवल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। इससे पहले मैंने रूल को बताया था आपको स्टूडेंट्स कि हम कैसे वॉवल्स को अदल बदल देते हैं, लेकिन इसमें बताया कि वॉवल्स को बीच में से, ये आपके सिंगुलर फॉर्म दिए गए हैं और ये इधर आपके प्लूरल फॉर्म दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका डॉर्माइस, यानी गलेरी, डॉर्म, डोमिस, डोमिक, फुट, फीट, गोज, गीज, लूज जू या ग्रंथित व्यक्ति को बोलते हैं उसको बोलते हैं लाइज, मैन, मेन, माउस, माइस, टूथ, टीथ, वूमेन, वूमेन। तो स्टूडेंट ये थे आपके नाउन, कुछ जिनको क्या होता है, कुछ हम वॉवल्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं यानी बदल देते हैं। तो इस तरीके से आप सिंगुलर का प्लूरल आप बना सकते हो। नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन होते हैं ऐसे जिनके अंत में ई एन और आर एन जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। ये कुछ ऐसी नाउन होती है स्टूडेंट, कुछ ही होती हैं, जैसे आपका चाइल्ड, ऑक्स और ब्रदर, इनमें क्या होता है हम ई एन या आर ई एन जोड़ करके इनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे अब आपसे बोली जाएगी चाइल्ड, यानी कोई बच्चा है चाइल्ड, इसका आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो आप चाइल्डलेस थोड़ी कर सकते हो, या चाइल्डलेस या चाइल्डविश थोड़ी करोगे, तो उसमें क्या करोगे, अब या तो ई एन जोड़ोगे या आर ई एन जोड़ोगे। जैसे चाइल्ड है तो उसमें हम
चिल्ड्रन यानी आर ई एन को ऐड किया तो इसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन गया चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल, और बैल का अगर आपको बोल दिया जाए कि बेटा इसका आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आप कोई पूछ लेता है तो आप स्टूडेंट कैसे बनाओगे, उसमें आप ई एन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन, यानी एक होता है ब्रदर, एक होता है ब्रदरन और एक होता है ब्रदर्स। ब्रदर्स यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं सेम फादर की जो औलाद मतलब जो संतान होती है यानी जो भाई भाई होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रदर्स, और एक होता है ब्रदर, ये होता है धार्मिक संस्था का एक सदस्य, धार्मिक कम्युनिटी से जुड़े जो लोग होते हैं उनमें होता है। तो इस तरीके से आप चाहे ऑक्स और ब्रदर में आपको ई एन जोड़ करके या आर ई एन जोड़ करके आप फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। इसमें ये जो आपका कंपाउंड मीन्स होता है कोई भी जुड़ा हुआ यानी जोड़, कोई भी जैसे आपका एग्जांपल दिया गया है सिंगुलर का यहाँ प्लूरल फॉर्म बनाया गया है से कमांडर इन चीफ, तो कमांडर एक वर्ड है और आपका चीफ एक अलग वर्ड है तो इनको क्या है इन में हमने ऐड किया है प्रपोजिशन और उसको क्या कर दिया स्टूडेंट हमने कर दिया इसको कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स क्या हुआ जुड़ी हुई, ये हो गया कमांडर इन चीफ्स। और इसमें बताया गया है कि ये जो आपका जो मेन वर्ड होता है ना इसमें उसमें हम एस जोड़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ कि कमांडर इन चीफ्स में चीफ में मेन वर्ड क्या है स्टूडेंट, सो आप कहोगे सर इसमें तो आपका कमांडर है तो हमने क्या कर दिया इसको कमांडर्स इन चीफ। ऐसे पास्ट वाई ये पथिक होता है पासर वाई तो पासर वाई कर देंगे यानी मेन वर्ड इसमें क्या है आपका पासर तो इसमें आपको एस आपने ऐड किया तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपका प्लूरल फॉर्म। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका सन इन लॉ, इसमें मेन वर्ड क्या है स्टूडेंट्स आपका सन तो सन में आपको क्या ऐड करना है एस तो यह बन गया सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ में आपकी डॉटर है मेन वर्ड तो डॉटर्स में क्या करेंगे हम एस जोड़ दिया तो डॉटर इन लॉ। ऐसे आपका ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर क्या आपका मेन वर्ड है तो ब्रदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ यानी ससुर, इनकी मैंने हिंदी आपको लिख दिया है यहाँ पे तो आपको किसी भी वर्ड को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से। तो मदर इन लॉ ऐसे तो मेन वर्ड क्या आपका मदर तो मदर में आपने क्या किया एस जोड़ दिया तो हमने मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में आपका सिस्टर मेन वर्ड है तो सिस्टर्स इन लॉ यानी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं आप साली नंद या देवरानी के लिए। स्टेप यू वर्ड यूज़ किया था ये यूज़ किया था स्टूडेंट फॉर सौतेला यानी सौतेला या सौतेली। स्टेप मदर तो इसमें क्या आपका स्टेप मदर्स मदर भी आपका मेन वर्ड है, ये नहीं सोचना कि पहले वाला वर्ड है वही मेन होगा, मेन वर्ड पीछे वाला भी हो सकता है और आपका आगे वाला भी हो सकता है और बीच वाला भी हो सकता है तो इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका स्टेप फादर्स तो फादर आपका मेन वर्ड है तो स्टूडेंट एस ऐड किया हमने तो फादर्स स्टेप फादर्स। स्टेप ब्रदर तो स्टेप ब्रदर्स। स्टेप सिस्टर सौतेली बहन तो स्टेप सिस्टर्स। स्टेप सन सौतेला बेटा तो उसको बना देंगे आप स्टेप सन्स। मेन वर्ड क्या है आपका सन तो एस ऐड कर दिया। नेक्स्ट आपका लुकर ऑन यानी लॉकर्स ऑन। नेक्स्ट है हैंगर ऑन अनुचर या दास हैंगर ऑन ये वर्ड यूज़ किया जाता है अनुचर या दास तो हैंगर्स ऑन। नेक्स्ट है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट यूज़ किया जाता है स्टूडेंट फॉर नौकरानी जो लेडीज होती हैं आपकी तो उसको बोलते हो आप मेड सर्वेंट्स यानी ए साइड आपको किस में करना मैन वर्ड में और मैन वर्ड क्या है आपका यहाँ पर सर्वेंट तो सर्वेंट में हमने एस को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है कोट ऑफ मेल यानी कवच तो कोर्स क्या कोट है आपका यहाँ पे मेन वर्ड है तो हमने इसमें ऐड किया एस तो इसका आपने प्लूरल फॉर्म बना दिया यानी कवच। पिक पॉकेट तो पिक पॉकेट में आपका मेन वर्ड क्या है स्टूडेंट पॉकेट तो पॉकेट में हमने ऐड कर दिया पॉकेट्स। तो इस तरीके से आप किसी भी जो कंपाउंड नाउन होती है उसके मेन वर्ड में हमको एस ऐड करना है और उसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स आपका रूल नंबर 12। स्टूडेंट मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन अगर आपको किसी भी रूल को समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे अपने डाउट्स हैं जो अभी आपकी कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें।
कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके मेन वर्ड में मिडिल वोवल को बदलकर हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। यानी स्टूडेंट, इसमें ये आपका आया है मिडिल वोवल, वोवल आप ए आई ई यू, तो मिडिल क्या होता है, जो बीच वाला जो होता है उसमें क्या करते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं और उसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म दिए गए इधर साइड में और आपके इधर वाले पोर्शन में प्लूरल फॉर्म दिए गए नाम के। तो फर्स्ट है आपका फुट मैन, तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, जो मेन वर्ड क्या आपका मैन है इसमें, तो मैन में हमें क्या करना है, जो मिडिल वाला है, मिडिल में क्या आपका एम ए एन में क्या आपका ए है, तो इस ए को क्या करना है स्टूडेंट, इस वॉवल को हमने चेंज कर दिया ई में, यानी फुट मैन, यानी जो वर्दी पहनने वाला जो नौकर होता है उसको बोलते हो फुट मैन। तो फुट मैन वर्दी पहनने वाले नौकर, तो मैन वर्ड मैन का यहाँ पर मैन कन्वर्ट कर दिया। मैन ऑफ वॉर यानी समुद्री सेना का जो जहाज होता है उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हो मैन ऑफ वॉर। तो इसमें मैन वर्ड क्या आपका स्टूडेंट मैन है, तो मैन को हमने एम ई एन हो जाता है आपको पता है प्लूरल फॉर्म में, तो मैन ऑफ वॉर। ऐसे वॉशरमैन में मैन, तो मैन तो वॉशरमैन। ऐसे पोइट मैन, तो इसमें भी मैन है आपका तो पोइट, पोस्टमैन सॉरी पोस्टमैन तो डाकिया। ऐसे बैगर मैन यानी भिखारी, तो बैगर मैन। तो इस तरीके से जो मैन वर्ड हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनके जो वॉवल होते हैं जो मिडिल वाले उनको चेंज करके हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे कंपाउंड नाम हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल फॉर्म बनाई जाती है। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी हम कंपाउंड नाम को यूज़ करते हैं तो उसमें जो मेन वर्ड होता है उसमें हम एस को जोड़ करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट में, तो जो आपके कंपाउंड नाम हैं उन दोनों पद हैं यानी जो दोनों पद हैं उनको ही चेंज करेंगे तो आपका प्लूरल फॉर्म बनेगा। देखो यहाँ सिंगुलर फॉर्म दिया है, जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट यूज़ किया था स्टूडेंट फॉर नौकर के लिए, तो दोनों वर्ड को यूज हमको क्या करना है, चेंज करना है, यानी मैन में भी और सर्वेंट में भी। तो मैन का आपको पता है मैन का क्या बनता है, ई, जो आपका जो ए इसमें वॉवल है वो ई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मैन, और सर्वेंट में आप एस ऐड कर दोगे तो मैन सर्वेंट्स। ऐसे वुमेन सर्वेंट नौकरानी, तो वुमेन सर्वेंट्स, ए होता है सिंगल वाले वुमेन में और प्लूरल वाले में ई यूज करते हैं। ऐसे लॉर्ड जस्टिस यानी न्यायाधीश, लॉर्ड्स जस्टिस, तो लॉर्ड्स बन गया आपका फर्स्ट में आपने एस ऐड किया और जस्टिस में भी आपने एस ऐड कर दिया, तो इसी तरीके से आपने सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका नाइट टेम्पर यानी कानून पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है, लॉ का जो स्टूडेंट्स होता है उसको प्लूरल फॉर्म अगर आपको बनाना है तो नाइट्स और टेम्पर्स, ये तो आप जानते हो, जनरली हम किसी भी नाउन में एस ऐड करते हैं तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं। नेक्स्ट आपका लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट यानी मुख्य नौसेना अधिकारी जो होता है उसको अगर हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट, यानी दोनों में हमने एस को ऐड किया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, कंपाउंड नाम के अगर दोनों पद दिए गए हैं तो दोनों पद में हम इस तरीके से चेंज करेंगे, उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड हैं जिनके लास्ट वर्ड के साथ एस जुड़कर हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। आपके कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, जैसे फॉरगेट मैन नॉट, यानी एक प्रसिद्ध नीले रंग का फूल होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉरगेट मी नॉट, तो उसका अगर आपको बनाना है तो क्या करना होता है, जो लास्ट वाला वर्ड होता है, जैसे इसमें फॉरगेट मी नॉट में क्या आपका इसमें नॉट है, तो नॉट में क्या करना है आपको एस ऐड करना है, तो आप इसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका गो बिटवीन, गो बिटवीन यूज किया जाता है स्टूडेंट फॉर मध्यस्थ और मिडिल, यानी गो बिटवीन्स, तो बिटवीन है लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड में आपको क्या ऐड करना है एस, पिकअप मी यानी उत्तेजक या शराब या मदरा, जो दारू होती है एल्कोहल होता है उसके लिए यूज किया था पिकअप मी, मुझे जूस के लिए, तो उसमें बन जाएगा पिकअप मी अप्स। नेक्स्ट है टच मी नॉट प्लांट, ये छूमे का जो पौधा होता है स्टूडेंट उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हो टच मी नॉट प्लांट, मुझे मत छू, तो इसका बन जाएगा टच मी नॉट प्लांट्स, लास्ट वर्ड क्या आपका, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे लगता है आपको कोई भी रूल समझने में दिक्कत नहीं होगी, अगर होती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स आपका कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि आपका स्पूनफुल है,
स्पूनफुल्स यानी चम्मच भर, माउथफुल मूवर होता है तो उसमें एस ऐड करेंगे तो माउथफुल, हैंडफुल क्या होता है अंजलि भर, अंजलि भर स्टूडेंट यूज करते हैं इसको हाथ के लिए यानी कि अंजलि भर, तो हैंडफुल से हो जाएगा कप फुल, कप फुल्स, ग्लास फुल तो ग्लास फुल। तो ये आपके कुछ नाउन है जिनकी लास्ट में हम एस जोड़ करके भी इनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका लेटर्स वर्ब डिजिट फिगर का प्लूरल फॉर्म एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ करके हम बनाते हैं। स्टूडेंट ये अगर मान लो कहीं भी कोई भी लेटर्स आता है सिंगल और कोई वर्ब होती है तो उसको हम फिगर्स में क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफी। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ, मान लीजिए मैं ना आपसे कोई भी पूछ सकता है, पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जॉब के लिए, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बेटा ये बताओ आप मेरे को 5 नंबर का प्लूरल फॉर्म बनाओ, किसका अंकों में नंबर में पूछे, तो आप कैसे बनाओगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 बनाओ तो 5 से लिख दोगे आप उसमें अगर उसकी लेटर में पूछता है, लेकिन ओनली 5 अगर ये बोल दिया जाए कि आपको बेटा इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो उसका अगर आपको प्लूरल फॉर्म बनाना है तो ये सबसे बहुत ही बेहतरीन रूल है, और आप किसी भी जो पढ़ रहा है आप उस स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो अपने साथी से कि भाई ऐसा अगर तू मुझे किसी भी नंबर का प्लूरल फॉर्म बना के दे दें। अगर मान लो इसी जगह मैं लिख देता FIVESB तो आप S जोड़ देते, जोड़ते नहीं जोड़ते तो S बना देते आप इस तरीके से। मैं बोलता 1 का बनाना है तो आप S ऐड कर देते, लेकिन अगर बोल दीजिए ओनली 1 का बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो वही ना प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही अच्छा रूल है, इसके क्या करते हैं स्टूडेंट लेटर्स या वर्ब या डिजिट होता है तो वहाँ पर आप एस जोड़ के प्लूरल फॉर्म बना दें। जैसे यहाँ वर्ड लिया है मैंने M, कोई वर्ड ले लो आप E से लेके जेड तक, किसी वर्ड का अगर आपको बनाना हो तो क्या करते हैं हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर देंगे तो वो आपका क्या स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में बदल जाएगा। ये आपका लेटर है, जैसे आपका है सेल, सेल का वर्ब, ये वर्ब फॉर्म होगी ना, और M क्या होगा आपका लेटर, तो सेल्स हो जाएगा। MA क्या है आपके 2 वर्ड होते हैं, कोई भी डिग्री है, अगर आपसे बोल दिया कि MA BA BSc किसी की भी आपको प्लूरल फॉर्म बनानी है स्टूडेंट तो क्या करोगे आप उसके साथ बेझिझक एपोस्ट्रॉफी लगा दीजिएगा और आपका आंसर एकदम सही आएगा। जैसे अगर जैसे मैंने आपको बोला था 5, तो यहाँ मैंने कोई भी डिजिट कर लो एग्जाम्पल के तौर पर, हमने यहाँ 6 लिया है तो 6 आपका डिजिट है और आपको क्या बनाना है इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आप क्या करोगे इसके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करोगे तो आप इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हो। नेक्स्ट आपका 8 नंबर लिया है मैंने, एपोस्ट्रॉफी बिल है तो बिल्स बना दिया। तो स्टूडेंट ये बहुत ही बेहतरीन और वो कहेंगे एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, आप किसी को भी फंसा सकते हो, किसी को भी पूछ सकते हो कि भाई ऐसा किसी भी नंबर का आप मुझे प्लूरल फॉर्म बनाओ, आप चाहो तो पूछ लेना, अच्छा नहीं बना पाएगा इस चीज़ को। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ, इसी में बताया गया है नोट कुछ संकेताक्षर क्या होते हैं, एब्रीवेशंस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ अंत में एस जोड़ करके हम प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये कुछ संकेताक्षर, जैसे कि मैं कोई भी मान लो जैसे मैंने ये वर्ड लिख दिया, मान लो जैसे हमारा चैनल का नाम है क्वेरी सॉल्वर तो मैंने क्यू लिखा और एस लिख दिया, तो ये क्या है अगर आपसे बोल रहे हैं इसकी प्लूरल फॉर्म बनाओ तो आपको पता है कि क्यू से क्यूरी हो गया और एस से सॉल्वर हो गया, तो आपको क्या करना है केवल इसके लास्ट में आप क्या करोगे ऐड जोड़ दोगे, तो एस ऐड करती है आपका ये स्टूडेंट बन जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म। जैसे यहाँ दिया गया MPS यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एस लगा देंगे तो यहाँ पर यहाँ MP होता है तो एस लगा दिया। BIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, MLA तो एस हमने ऐड किया इनके साथ, तो ये आपके क्या है प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ बताया है कुछ एब्रीवेशन है जिनका प्लूरल फॉर्म लेटर को रिपीट करने से बनता है। देखो कितना आप शानदार रूल पढ़ रहे हो, केवल आपने आज तक सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ कि हमें एस लगाना है या BES लगाना है बस या IES लगाना है, इतना पढ़ा है बस आपने मुझे पता है, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही शानदार रूल है। और आप किसी को भी अपनी नॉलेज के लिए भी ना, भले ही आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी भी नौकरी करने वाले से आप पूछ सकते हो इस रूल को। जैसे आपसे पूछा जाए कि सी, मान लो सी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ये कुछ संकेताक्षर अक्षर होते हैं, जैसे हम पी है, पी मीन्स क्या हो गया पेज लिखते हैं हम, लाइन के लिए हम एल यूज़ करते हैं, तो सेंचुरी का अगर आपको पूछा जाए तो सेंचुरीज बनाओगे आप राइट ना, जैसे पेज है तो पेजेज बनाओगे, लाइन है तो लाइंस बनाओगे। लेकिन मैंने क्या पूछा ओनली एब्रीवेशन यानी कि हम कोई भी अक्षर यूज़ करते हैं, कोई भी
लेटर यूज करते हैं और उसको आप प्लूरल फॉर्म बनाया जाए, तो हम सी को डबल सी लिख करके भी आप सेंचुरीज बना सकते हो। पेज के लिए भी हम डबल पी यूज कर लेते हैं। आपने पेपर, जैसे आप पेपर देते हो कोई भी, तो वहाँ लिखा होता है पीपीटी, यानी प्लीज पेज को पलटिए, तो इस तरीके से आप पीपी यूज कर सकते हो। लाइन के लिए आप डबल एल भी लिख सकते हो, सिंगुलर लाइन है तो ओनली एल यूज करोगे, अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उसको आप डबल एल। तो ये स्टूडेंट बहुत ही शानदार रूल था, आपने पढ़ा है जो भी। बढ़ते नेक्स्ट रूल की तरफ। कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उनके लास्ट में एस और ई एस जोड़कर बनाते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है स्टूडेंट, बदल जाता है। देखो कितना शानदार रूल है आपका, कि क्या होता है कुछ सिंगुलर नाउन है उनको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उनके बीच में हमको एस यानी लास्ट में और ई एस को हमको स्टूडेंट ऐड करना होता है, लेकिन अगर जैसे ही हम एस जोड़ेंगे तो अर्थ का क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा, यानी अर्थ बिल्कुल अपने आप से चेंज हो जाएगा। जैसे बहुत ही शानदार मैंने आपको समझाने, समझिएगा, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल लिए। जैसे एडवाइस, एडवाइस को हम जनरली अगर आपसे कोई पूछे एडवाइस क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बता दोगे सर एडवाइस होता राय, लेकिन मैंने इसका ई एस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म बना दिया तो क्या चेंज हो गया, यहाँ ये बन गया सूचना है। गुड माने क्या होता है, भलाई होती है। गुड्स माने क्या होता है स्टूडेंट, सामान। फोर्स माने होता है बल, और फोर्सेज माने होता है सैनिक। इतना शानदार रूल है। तो इनका क्या है, जैसे आप एस या एस इनमें ऐड करते हो तो इनका क्या है स्टूडेंट्स, इनका अर्थ चेंज हो जाता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म इसी तरीके से आप इनकी बना सकते हो। आगे और भी आपके एग्जाम्पल हैं, यहाँ दिया गया नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कॉपर। कॉपर मीन्स होता है तावा, और कॉपर से अगर हम बनाते हैं तो स्टूडेंट इसका मीन्स हो जाएगा कि तांबे के सिक्के। आयरन मीन्स होता है लोहा, और आयरन बना देंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा आपका हथकड़ी। सांड माने वालू, और सांड्स माने होता है रेगिस्तान। वर्ड यू करते हैं इसका मीन्स होता है प्रतिज्ञा। आई स्वेयर माई वर्ड, मैं अपने वर्डों की क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा खाता हूँ या मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। अगर आप वर्ड्स लेते हो तो स्टूडेंट ये बन जाता है आपका भाषाएं। देखो हमने इनका क्या है, सिर्फ एस और ई एस ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या है अर्थ में से इनका चेंज हो जा रहा है। बिल्कुल देखो एब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना किसी को भी, लेकिन एब्यूज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, बुराइयाँ बन जाती है, यानी ओल्ड एडिशन, या हम कहें कोई भी जो बुरी समाज में, जैसे कि आपका सती प्रथा थी आपकी, या घूंघट प्रथा जो होती थी पहले, वो क्या थी उनकी बुराइयाँ थी, इस तरीके से आप वहाँ पर इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फुट, फुटमैन मीन्स क्या होता है, पैदल सेना होती है, या आपका पैर के लिए यूज़ करते हैं हम, लेकिन अगर हम फीट बनेगा इसका, फुट का क्या बनेगा स्टूडेंट, फीट्स, तो ये हो जाएगा आपका एक से अधिक आपके पैर। हॉर्स यूज करते हैं हम घोड़े के लिए, या घुड़सवार कोई आपका सैनिक हो उसके लिए, अगर हम हॉर्सेज करते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा घोड़े। ऐसे वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है आपका, और अगर आप वुड्स करते हो तो इसका अर्थ चेंज हो गया, बन गया जंगल, यानी कि एक लकड़ी हो गई, ओनली लकड़ी के लिए यूज कर रहे थे और यहाँ बन गया आपका पूरा जंगल। नेक्स्ट है आर्म। आर्म मान होता है स्टूडेंट वाह, जो आपकी जो भुजाएं होती हैं, और आर्म्स अगर करते हैं तो वो बन जाता है आपका हथियार। नेक्स्ट आपका कलर, कलर मीन्स होता है स्टूडेंट रंग, और कलर्स माने होता है झंडा या एक से अधिक रंग। एक तो बनता है आपका कलर्स यानी कलर रंग है, और कलर्स मीन्स हो गया बहुत सारे रंग, और आप कलर्स वर्ड को यूज कर सकते हो फॉर फ्लैग यानी झंडे के लिए भी। नेक्स्ट आपका क्वार्टर मीन्स होता है चौथा ही भाग, यानी एक बट्टे चार होता है स्टूडेंट, और क्वार्टर्स मीन्स होता है डेरा, यहाँ पर जो लोग जो कम्युनिटी से जुड़े हुए जो डेरे वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं आप क्वार्टर्स। नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट क्या होता है स्टूडेंट, एक खेल होता है और उसमें झिंगुर भी होता है, और अगर हम क्रिकेट्स यूज़ करते हैं तो वो बन जाता है आपका झिंगुर। वर्क मीन्स होता है स्टूडेंट्स कार, और वर्क्स मीन्स होता है रचना है। रचना मीन्स यानी कोई भी राइटर जो आपका जो पोइट होते हैं जो कवि वगैरह होते हैं वो आपकी क्या करते हैं वो वर्क्स करते हैं यानी ऑन फोएम यानी रचनाएं लिखते हैं वो अपनी। नेक्स्ट आपका अल्फ़ाबेट मीन्स होता है स्टूडेंट वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स मीन्स हो गया आपका भाषाएं। अल्फ़ाबेट्स यानी ए बी सी डी इस तरीके से, तो वो ए टू जेड क्या हो गया आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए, और अगर हम अल्फ़ाबेट्स कर दें यानी एस ऐड कर दिया तो इसका अर्थ हो गया स्टूडेंट्स भाषाएँ यानी कि लैंग्वेज। मैनर्स होता है स्टूडेंट तरीका, मैनर मीन्स तरीका होता है, यानी हम किसी से भी किस तरीके से बात बात कर रहे हैं, या किसी तरीके से हम किसी को कन्वर्सन करते हैं, या किसी को हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं मैनर, लेकिन अगर हम मैनर्स करते हैं तो उसको अर्थ हो जाता है स्टूडेंट आचरण।
यानी कि हमारी बात आ जाती है करेक्टर करके, आपका करेक्टर कैसा है, आप मतलब किस तरीके से दूसरों के साथ आप नैतिकता के साथ कैसा आचरण करते हो आप। तो मैनर्स मीन तरीका, मैनर्स मीन्स हो गया आपका आचरण। तो ये स्टूडेंट इनका क्या करते हैं, हम केवल एस यूज करते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार में आपको याद हो जाएंगे, अगर आपकी वॉकअप पहले से स्ट्रांग है। अगर नहीं है तो आप स्टूडेंट इनको बार बार रिवीजन करो, दो बार देखो और इनको कॉपी में एक बार आप नोट कर लीजिएगा। तो इससे आपको क्या, आपकी वॉकअप भी स्ट्रांग होगी और आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें भी आपका सुधार होगा, और आप नाउन में तो कभी गलती फिर आप कर ही नहीं पाओगे, आई एम श्योर। नेक्स्ट रूल है आपका स्टूडेंट, द एडजेक्टिव का यूज प्लूरल नाउन के रूप में होता है। ये तो मैंने आपको रूल सिंटेक्स में भी पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल में भी आपको पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स, कि अगर हम कोई भी एडजेक्टिव है और उससे पहले अगर हम डेफिनेट आर्टिकल यानी अगर द का यूज़ करते हैं तो उसको हम प्लूरल नाउन यानी प्लूरल नाउन में यूज़ करते हैं, और सिंटेक्स में मैंने बताया था उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है स्टूडेंट, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो जो रूल हम कहीं भी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे ऐसे रूल होंगे जो आपने पढ़े हैं और आपको बहुत सारे चैप्टर्स में आकर के आपको मिलेंगे। तो द प्लस एडजेक्टिव है तो उसके साथ वो आपका प्लूरल नाउन होगी, जैसे द पुअर, द पुअर यानी कि पुअर पीपल। ये जो द पुअर, ओनली अगर आपका पुअर होता तो मीन्स गरीब होता है स्टूडेंट्स, अगर हमने द यूज़ कर लिया यानी पूरी रेस यानी पूरी मानव जाति के लिए यूज़ कर लिया गया, द पुअर पीपल, द सिख यानी सिख पीपल। इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर किसी भी आर्टिकल सॉरी एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल लगता है तो वहाँ पर हम उसको प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल आपका स्टूडेंट, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन का अगर यूज हम करते हैं तो स्टूडेंट वो सिंगुलर नाउन होता है। कितने काम की चीज़ है ये, मैंने आपको सिंटेक्स में कराया था रूल, कि अगर हम कोई भी नाउन लेते हैं प्लस उसके बाद प्रपोजिशन लेते हैं फिर वही नाउन लेते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका सिंगुलर नाउन होती है। देखो सिटी आफ्टर सिटी मीन्स सिटी आपका नाउन है और आफ्टर आपका प्रपोजिशन है और फिर सिटी आपका नाउन है, ऐसे बॉय आपका नाउन है, बिफोर आपका प्रपोजिशन है और बॉय फिर से आपका नाउन है, यानी सिटी आफ्टर सिटी में शहर के बाद एक शहर, बॉय बिफोर बॉय बॉयस लड़के से पहले एक लड़का। तो स्टूडेंट ये कितने अच्छे रूल्स हैं, आपको मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और आप वीडियो को सिर्फ 2-3 मिनट देखते हैं और चले जाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे भी। तो देखो अगर आप वीडियो को लाइक करोगे फुल वॉच करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा अच्छा महसूस होता है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस चैनल को खोल करके मैं पैसा कमाऊं या ऐसा कुछ नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों को पढ़ाता हूं, इसलिए ये मैंने चैनल ओपन किया है। अगर किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो वो आराम से चैनल पर पढ़े और मेहनत करे, और आगे जाके अगर आपकी नौकरी लगती है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज जॉब कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ स्टूडेंट, ये आपके कुछ वर्ड दिए गए हैं स्टूडेंट्स कि दर्जन, ग्रास, स्कोर, 100, 1000, 1,000,000,000 यूनिट का प्रयोग सामान्य सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में जैसा होता है। स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये आपके कुछ वर्ड हैं जैसे दर्जन, और ये आपका ग्रास है, घास है, स्कोर है, 100, 1,000, 1,000,000 और 1,000,000,000 ये क्या होते हैं, यूनिट होते हैं यानी एक तरीके से मात्रक होते हैं स्टूडेंट ये, यानी किसी भी यूनिट को, यूनिट है वो किसी भी क्वांटिटी को बताती है। तो उसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आप दोनों ही फॉर्म में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि आई हैव परचेज 2 दर्जन एप्पल्स, आई हैव यानी कि मैंने खरीदे, 2 मीन्स 2 दर्जन, दर्जन जो होता है स्टूडेंट ये एक यूनिट होता है, यानी कि कोई भी आपका जो 12 नंबर्स होते हैं उनको ऐड करके एक दर्जन बनता है। तो यहाँ ऐसे तो बताया आपको कि मैंने क्या किया, 2 दर्जन एप्पल खरीदे, यानी कि एक दर्जन में क्या है स्टूडेंट आपके 12 आइटम आ गए यानी 2 दर्जन। तो एक तरीके से यहाँ हमने इसको यूनिट की तरह यूज़ कर लिया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल दिया आपका इसी में कि 10 हंड्रेड्स यानी सिंगुलर फॉर्म में, या तो यहाँ पर 100 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड, यानी कि जो यानी 10 हंड्रेड जो रुपये थे वो क्या हुआ स्टूडेंट, वो स्पेंड कर दिए गए। तो इस तरीके से आपने सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों में आप इनको यूज़ कर सकते हो, ये सिंगुलर फॉर्म में या ये आपका प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है हमने। लेकिन यहाँ बताया गया है फर्स्ट इसमें नोट में बताया गया कि दर्जन, ग्रॉस, ये जो यूनिट हैं आपकी 100, 1,000,000,000 और तो इनके साथ क्या होता है स्टूडेंट, अगर इनसे पहले आप कोई भी A1, 2, 3 यानी कॉर्डिनल नंबर
यूज करते तथा यूनिट के बाद प्लूरल नाउन के पहले द दीज दोज माई इस इटीसी का प्रयोग होता है, यूनिट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है इस रूल में इसने कि अगर आपकी जो भी वर्ड मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ बताया था मैंने आपको दर्जन, ग्रॉस, स्कोर, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ये जो हम वर्ड जो यूनिट की तरह यूज़ करते हैं स्टूडेंट, इनसे पहले अगर हम कोई भी नंबर यूज़ करते हैं यानी कि वन टू थ्री फोर इस तरीके से कार्डिनल नंबर अगर हम यूज़ करते हैं और जो आपने यूनिट यूज़ किया उसके बाद अगर हम कोई भी क्या करते हैं प्लूरल नाउन लेते हैं और प्लूरल नाउन से पहले हम ये आपके जो डेमन और स्ट्रिप जो आपके प्रोनाउंस होते हैं द दीज इस तरीके से ये कुछ पजेसिव भी यूज़ किए गए हैं, तो ये जो आपकी जो प्रोनाउन है अगर इनको हम यूनिट के बाद यूज़ करते हैं तो इनके साथ हम ऑफ का यूज, जैसे टू दर्जन, दर्जन से पहले यूनिट से पहले हमने स्टूडेंट टू का यूज़ किया है और उसके बाद हमने द पेंस, यानी ये क्या आपका ये आपकी प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो उससे पहले हमने यहाँ पर द का यूज़ कर लिया गया है, यानी मैंने बताया कि द दीज कोई भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ स्टूडेंट आप ऑफ का यूज़ करते हैं, यानी जो यूनिट है उसके बाद हम ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें सेकंड नोट में बताया कि दर्जन, ग्राउस, यूनिट जो भी आपके जो बताए गए हैं इनसे पहले अगर हम वन टू थ्री और फोर इस तरीके से हम प्रयोग ना हो, यानी यहाँ पर हम यूज इनका कर रहे थे स्टूडेंट, यहाँ पर इनका अगर हम यूज़ नहीं करते हैं और ये अगर यूनिट क्या है प्लूरल फॉर्म में अगर यूज हो तो इसके बाद हम ऑफ का प्रयोग भी कर लेते हैं, जैसे थाउजेंड ऑफ रुपीज़, हज़ारों रुपये, दर्जन ऑफ बॉक्सेस, यानी दर्जन बक्से अगर ये यूज हो तब भी हम ऑफ का यूज़ करेंगे, अगर नहीं हो तो इनके साथ भी हम ऑफ का यूज़ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये नंबर यूज़ किया गया है जो आपकी यूनिट दिए गए थे दर्जन, थाउजेंड, बिलियन, मिलियन इस तरीके से, और उनके बाद ये हमने प्लूरल नाउन या रुपीस और बॉक्सेस या हमने प्लूरल नाउन का यूज़ किया है, तो स्टूडेंट उनके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ बताया गया है कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका यूज हम केवल सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आपकी कुछ नाउन है, ये तो आपको कंपलसरी कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें आप कोई भी रूल नहीं लगा सकते हो। और ये क्या होता है स्टूडेंट, ये आपके सिंगुलर नाउन के रूप में रहती हैं, ये आपकी फिक्स हैंगे, लेकिन क्या होगा जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कहीं ये भाई ये तो आपको प्लूरल से लगेंगे, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट ये सिंगुलर ही होती हैं। पढ़ते हैं एक एक नाम करके एक एक करके, जैसे एडवाइस, फ्रेड, बटर, चॉक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, वगेज, ब्रेकेज, ट्रेंच, गार्बेज, हेमरेज, हेरिटेज, होमेज, लगेज, पोस्टेज, परसेंटेज, कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, म्यूजिक, सीनरी, लाइब्रेरी एंड ड्राफ्टिंग, ये कुछ आपके स्टूडेंट वर्ड हैं, ये केवल आपके सिंगुलर नाउन में ही यूज़ करेंगे, इसमें आप रूल को नहीं लगा। जैसे यहाँ नोट में बता दिया गया है आपका ऊपर दिए गए नाउन का यूज प्लूरल फॉर्म में पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट, ये जो आपके मैंने नाउन अभी आपको बताए एडवाइस, ब्रेड, बटर, फूड, ट्रैफिक, जितने भी हेरिटेज या पर्सन जो मैंने आपको बताए हैं इनका क्या स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म इम्पॉसिबल है, यानी पॉसिबल नहीं है, तो इनको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। इनको क्या मानते लेते हैं हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इनका प्लूरल फॉर्म बन नहीं सकता, तो इनके साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ए और एन का यूज़ करेंगे इनके साथ हम। दूसरा बताया कि ऊपर दिए गए नाउन का यूज़ सिंगुलर सेंस में ज़रूरत के मुताबिक, देखो अगर मान लो आपको एडवाइस को यूज़ करना हो और आपको किसमें सिंगुलर सेंस में, तो उसके साथ आप ए बिट, एन आइटम ऑफ, ए पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ, ए पाइल ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए सीफ ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड है ना आपके स्टूडेंट, ये वर्ड सारे मैंने आपको जो आपका नाउन का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये सब मैंने आपको वहाँ यूज़ किए थे कलेक्टिव नाउन में, ए पाइल ऑफ, ए टाइप ऑफ या ए सीट ऑफ इस तरीके से। जैसे यहाँ बताया ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ अगर आपने इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है किसमें सिंगुलर सेंस में, तो उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है ए पीस, ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ लगेज, यानी कि एक सूचना,
इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट आपका प्लूरल में ए एन वर्ब बिट ऑफ आइटम ऑफ पीस ऑफ काइंड ऑफ पीस ऑफ टाइप ऑफ सी ट्रॉप का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पीस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर स्टूडेंट क्या बताया गया था कि यहाँ पर हम आर्टिकल ए यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमने आर्टिकल ए एन को हटा दिया गया है, केवल ए और एन तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन उनके साथ क्या है इस तरीके से आपको यूज़ करना है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो पीसेस को आपको क्या करना है पीसेस काइंड, या हम केवल काइंड यूज़ कर रहे थे यहाँ काइंड्स हो गया, वहाँ बिट यूज़ कर रहे थे हमने यहाँ बिट्स कर लिया, वहाँ आइटम था तो हमने यहाँ पर आइटम्स यूज़ कर लिया, तो इस तरीके से टाइप्स टाइप था वहाँ टाइप्स हो गया, पाइल था पाइल्स हो गया, काइंड था काइंड्स हो गया, पीस था पीसेस हो गया, तो यहाँ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप इस तरीके से इसको प्लूरल फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका, जिन नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये होते हैं आपके सिंगुलर। देखो ये कुछ और आपके नाउन है, ये स्टूडेंट आपको देखने में लगेंगे प्लूरल यानी एक से अधिक लगेंगे, लेकिन ये होते कैसे आपके सब सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज़, अब समाचार की बात हो रही तो आप सोचोगे अरे भाई न्यूज़ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्या होता है ये स्टूडेंट सिंगल होती है, समझते हैं। एग्जांपल जैसे किस क्या क्या बताया था, न्यूज है समाज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक और एथलेटिक, ये तो मैंने आपको उसमें भी बताए थे जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था उसमें ये बताया था, जिनके पीछे ICS यूज़ किया जाता है वो प्लूरल्स फॉर्म सॉरी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो ये स्टूडेंट आपकी सिंगुलर नाउन होते हैं ना कि प्लूरल, ठीक है। तो न्यूज़ से पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते, जो आपका न्यूज आता है ना न्यूज़, इसमें मैंने बताया न्यूज़, तो न्यूज़ से पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और ना ही इसका यूज़ हम प्लूरल फॉर्म इसमें हम एस जोड़ करके बना सकते हैं, यानी इसको हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसे यहाँ बताया गया है एग्जांपल में, द न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स, जो न्यूज़ यानी जो खबर है वो क्या है झूठी नहीं है, ए न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स। देखो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि न्यूज़ के साथ आपको क्या करना है, हम आर्टिकल ए और ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पर हमने ए को यूज़ किया इसलिए यह आपका गलत हो गया, यहाँ द न्यूज इज़ आर नॉट फॉल्स, यहाँ ये इसलिए गलत हो गया स्टूडेंट क्योंकि हमने यहाँ पर आर को यूज़ कर लिया इसलिए आपका रॉन्ग है, और यहाँ हमने आर्टिकल यूज़ किया ये इसलिए रॉन्ग है, द न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स, यानी न्यूज़ के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और ना ही उसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो, ना ही आप प्लूरल फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। लेकिन संबंध क्या होता है स्टूडेंट, ये जो आपका कोर्ट होता है वो न्यायालय होता है वो उपस्थित होने के लिए, यानी जो कोई भी क्रिमिनल्स होता है उसको बुलाता है, मतलब किसी न्यायालय में यानी कोर्ट में उपस्थित होने के लिए उसको भेजा जाता है, उसको हम सम्मन्स बोलते हैं, से पहले हम ए का यूज़ कर लेते हैं तथा इसके अंत में हम ई एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म भी आप बना सकते हो। ए सम्मन्स वॉज इश्यू, यानी कि कोई व्यक्ति है उसके लिए क्या न्यायालय ने बोला है कि भाई अब इस तारीख तक आप कोर्ट में पेश हो जाओ, तो आपके ऊपर जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो सब हटा दिए जाएंगे इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इसके साथ आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हो, या हमने आर्टिकल यूज़ किया है तो ये आपका गलत नहीं है। यहाँ फोर सम्मन्स वॉर इश्यू, तो यहाँ हमने क्या किया है स्टूडेंट, सम्मन्स के पीछे क्या हमने एस को ऐड किया है, तो आप सम्मन्स से पहले आप ई को लगा सकते हो और आर्टिकल ए लगा सकते हो और एस को भी आप ऐड। यहाँ बताया गया है कि ICS एंडिंग नाउन से पहले द और पजेसिव एडजेक्टिव माई और ETC का प्रयोग होने पर इनका अर्थ बदल जाता है तथा नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, अतः प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इसमें मैंने बताया कि जो भी आपके ICS एंडिंग से नाउन है, जैसे आपके मैंने अभी बताए थे पॉलिटिक्स है, स्टैटिक्स है, एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स और जेनेटिक और एथलेटिक्स, सब में क्या है ICS आ रहा है, और इनके साथ क्या आते हैं हम आर्टिकल यानी द का और पसेसिव यानी जो अधिकार दिखाने वाले जो आपके और जो एडजेक्टिव होते हैं माई योर आवर इनका यूज़ करते हैं, तो इनके क्या होता है इसमें अर्थ बदल जाता है और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ आपके एग्जांपल में बताया गया है कि माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, यहाँ पर ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है अधिकार दिखाने वाला पजेसिव
पसेसिव आपका एडजेक्टिव यूज किया गया है माई, ये अधिकार दिखा रहा है कि भाई मेरा क्या, मेरा मेरा जो गणित है ना वो कैसा है, आर कैसा है स्टूडेंट, वो नॉट वेरी गुड, वो बहुत अच्छा नहीं है यार, हम कहें वो अच्छा नहीं है। तो मैथमेटिक्स ये क्या है आपका ICS लास्ट स्टैंडिंग वर्ड था, तो उसके साथ हमने प्लूरल फॉर्म यानी आर का यूज़ किया है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर अधिकार दिखाने वाला यहाँ पर एडजेक्टिव आपका यूज़ हुआ है। द फिक्स ऑफ मोहन इज पुअर, यानी कि जो मोहन है उसकी फिक्स कैसे स्टूडेंट वो बहुत ही खराब है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है और ये ICS आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर उसका वर्ब का यूज किया गया है। तो यहाँ आर करेंगे, सॉरी यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी में आपका थर्ड नोट में कि बीमारियों के नाम, ये बीमारियाँ होती हैं आपकी कुछ मसल्स, रेबीज और गर्म, ये आपका गैरमैन गर्मेनिक्स और प्रैक्टिस मफल्स, डायबिटीज़ का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। ये स्टूडेंट आपकी कुछ बीमारियाँ होती हैं, डिसीज होती हैं, इनका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, अतः इनके साथ पहले हम आर्टिकल ए, एन और द का यूज़ नहीं कर सकते, तीनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, ना डेफिनेट का ना ही हम इनडेफिनेट का, और ना ही हम इनके साथ एस जोड़कर इनका हम स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे बताया गया ए मफ़ल्स, तो ये क्या है आर्टिकल लगा दिया इसलिए आपका ये गलत हो गया, यहाँ पर आर्टिकल आपको नहीं लगाना था। द लगा दिया ये भी आपको गलत है, ओनली ये मफ़ल्स लगा दिया, यहाँ पर आपने एस ऐड कर दिया ये इसलिए गलत होगा। तो स्टूडेंट आपको ये इस तरीके से ना एस लगाना है ना ही आपको आर्टिकल को ऐड करना है इसमें। द मसल्स इज जेंडर डेंजर डिसीज, ये कोई बीमारी होती है, ये कैसी है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, तो ये आपका इस तरीके से आप बना सकते। नेक्स्ट में बताया गया है इसमें कि कुछ खेल होते हैं जैसे वॉल्स, ड्रॉट, विल्डियर्स, ड्राफ्ट, डोमिनियस का यूज़ सिंगुलर अनकाउंटेबल, ये यहाँ काउंटेबल था, ये यहाँ पर स्टूडेंट आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इनके अंत में हम ए, एन और द का यूज़ नहीं कर सकते, इनके साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, केवल सिंगुलर वर्ब का यूज। जैसे भी आपने यहाँ पर डिसीज वाला सेम रूल था, ऐसे सेम रूल आपका ये खेल के लिए यानी गेम्स के लिए, जैसे द ए वॉज गलत हो जाएगा क्योंकि हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना, द वॉज नहीं करना है, ये आपका वॉज से प्लूरल फॉर्म में एस भी नहीं ऐड करना इसलिए ये गलत हो गया। तो बिल्डर्स इज प्लेड बाई वूमेन, तो ये आपका ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है सिंगुलर नाउन है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ किया है, तो इसलिए ये आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है स्टूडेंट्स आपका 23, दिए गए नाउन का यूज़ हम प्लूरल नाउन के रूप में होता है तथा इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो नाउन है ये सिंगुलर ही यूज़ की जा सकती है। स्टूडेंट ऐसे ही आपके कुछ नाउन होते हैं ये आपको प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, यानी ये आपके प्लूरल नाउन ही होते हैं, और इनके साथ आप अगर आप इनका यूज़ भी करना हो तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। पढ़ लेते हैं कि करके कौन कौन सी नाउन है आपकी। ये है फर्स्ट है आपकी आर्म्स यानी वीक, वीक जो होती है उसके साथ आप प्लूरल फॉर्म का यूज़ करोगे, और ये आपकी प्लूरल नाउन होती है। क्लॉथेस यानी पोशाक, अरियर्स यानी बकाया धनराशि जो होती है, टूल्स मीन्स होता है औजार स्टूडेंट, डॉगिंग्स होता है चल संपत्ति यानी बहुत ज़्यादा जो रुपया संपत्ति होता है यानी करंट असेट्स जो होता है उसको आप चल संपत्ति बोलते हैं। नेक्स्ट आपका व्रीक, व्रीकेबल्स यानी भंगुर चीज़ें, यानी जो कुछ चीज़ें बहुत आसानी से टूट जाती हैं उनको हम भंगुर चीज़ें बोलते हैं। नेक्स्ट आपका डूइंग्स, डूइंग्स होता है स्टूडेंट कर्म, जो हमारी जो वर्क्स होते हैं उनको बोलते हैं आप कर्म। नेक्स्ट आपका ग्रेन्स यानी साग सब्जी, ग्रीन्स, न्यू पटेल्स यानी शादी, द पिक्चर्स, द सिनेमा जो बोलते हैं आपके, प्रोसीड माने लाभ होता है स्टूडेंट, रिमेंस होता है अवशेष जो कुछ बचा कुचा होता है, सराउंडिंग होता है वातावरण, वेजिटेबल्स होते हैं सब्जी, द हिमालयाज होता है हिमालय की पर्वत श्रृंखला, एनल्स होता है इतिहास,
ऑस्पिसेस होता है संरक्षण, वाल्स होता है अंतरिया, ड्यू होता है शुल्क, अर्निंग होता है कमाई, इंटेंस होता है आते हैं, इंटेंस टेंस यानी आते हैं, आउटस्क्रिट होता है सीमा, रिचिज होता है वैभव यानी जो धन संपत्ति होती है, टेडिंग्स होता है खबरें, वैल्यूएबल होता है मूल्यवान चीज़ें यानी कॉस्टली, द एल्प्स होता है आल्पस जो पहाड़ी जो श्रृंखला है यानी पर्वत श्रृंखला है यूएसए में द आल्पस। तो ये थे आपके स्टूडेंट जो नाम आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं, ये भी आपके प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं लेकिन इनका एक रीज़न होता है, मैंने इसीलिए इनके सामने स्टार लगाया है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों लगाया है। पाजामा शॉर्ट्स मीन्स होता है जांघिया, पिंसर्स होता है सड़ासी, बाइनोकुलर्स होता है दूरबीन, सीफर्स होता है कैंची, ग्लासेज होता है चश्मा, पेंट्स माने पेंट्स होता है स्पेक्टल्स मीन्स भी चश्मा होता है स्टूडेंट्स, ब्रीफ्स होता है जांघिया, अंडर पेंट्स होता है जांघिया, ट्राउजर मीन्स भी पायजामा होता है, लोवंस होता है चौगनी दोगनी, और डेविडर्स होता है परका, सीजर्स होता है कैंची, टोंग्स मीन्स चमटा और बुगल्स माने चश्मा जो होता है आपका धूप का। स्टूडेंट्स जो मैंने ऊपर जो तारांकित जो नाम है जिनके आगे मैंने स्टार जो लगाया है उनके साथ ये दो भाग में होते हैं। दो भाग में क्यों होते हैं अब आपको पूछा जाए तो, अब आप जो चश्मा होता है तो चश्मा ऐसा थोड़ी का आप एक आंख पे पहनते हो, दोनों आंखों में पहनते हो ना, ऐसे आप पजामा पहनते हो तो दोनों टांगों में पहनते हो, पैंट्स है दोनों टांगों में पहनते हो, अब कैंची है, अब कैंची क्या है स्टूडेंट इस तरीके से काम करती है दोनों मतलब दो उसमें दो पार्ट होते हैं। तो इनका क्या होता है ये दो पार्ट में होते हैं तो ये प्लूरल नाउन में होते हैं और इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं ठीक है। अगर इसीलिए इनको हम अगर इनको आपको सिंगुलर में कन्वर्ट करना हो तो ए पेयर ऑफ प्लूरल और पेयर्स ऑफ का यूज़ करके बनाया जाए। अगर हम सिंगुलर यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट उसके साथ हमको ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ यूज़ करते हैं, अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो पेयर्स ऑफ इस तरीके से का यूज़ करके हम इनका कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया ए पेयर ऑफ ट्राउजर पेयर, ये मैंने बताया था ए पेयर अगर हम यूज़ करते हैं तो ये आपका सिंगुलर यूज होगा स्टूडेंट, अगर पेयर्स ऑफ करते हैं ट्राउजर्स यानी ये आपका प्लूरल फॉर्म में, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में। पजामा आर न्यूज तो आपका ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हम वर्ब कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट प्लूरल यानी कि आर वर्ब आपकी सही है। नेक्स्ट बोला आपका जूरी चोयर कमेटी काउंसलिंग क्राउड हर्ड और ये आपका ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा और टीम गवर्नमेंट मूव ईटीसी। ये यूज जो होते हैं स्टूडेंट ये आपके होते हैं कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक जो संज्ञा होती है ये वो होते हैं और इनके साथ हम इनको क्या करते हैं इनको हम सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जोरी चोर कमेटी काउंसलिंग क्राउड हियर ऑर्केस्ट्रा टीम और गवर्नमेंट और मो ये स्टूडेंट आपके सिंगुलर नाउन होते हैं कौन से कलेक्टिव नाउन तो इनके साथ हम सिंगुलर ही इनको मानते हैं और इनके साथ आप सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे तो जूरी हैज़ डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन ये तो मैंने आपको रूल सिंटेक्स में कराया था कि अगर ये जो जूरी है मूव है हेयर है चोर है पब्लिक है तो ये स्टूडेंट आप सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ सिंटेक्स में इसका प्लूरल रूल बताया था मैंने लेकिन इसको हम सिंगुलर मानते हैं तो इसके साथ हमने सिंगुलर का यूज़ किया। जैसे द जूरी हैज़ डिवाइडेड यानी कि जूरी का जो प्रत्येक सदस्य था स्टूडेंट वो अपने अपने विचारों पर सहमत था यानी सब अलग अलग थे लेकिन यहाँ बताया गया है कि दिए गए नाउन का यूज़ आप नाउन ऑफ मल्टीपल नाउन के रूप में होने पर प्रत्येक सदस्य का बोध होता है तथा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट अगर इनका हम मल्टीपल नाउन के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो इनसे क्या होता है हमें प्रत्येक सदस्य का अलग अलग बोध होता है और इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करोगे। जैसे द जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस यानी कि जूरी थी वो क्या थी अपने अपने विचारों पर एक मत नहीं थी यानी वो अलग अलग थी तो हाँ हमने देयर यूज़ किया है तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ किया है और यहाँ से हमें क्या है अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन दिए गए एग्जाम्पल में जूरी का यूज़ नाउन ऑफ मल्टीपल के रूप में हुआ है अतः जूरी से जूरी के प्रत्येक सदस्य का बोध हुआ है। नेक्स्ट रूल है आपका स्टूडेंट हाफ प्लस ए एन एन प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट
यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है आपकी घंटा, पाउंड, किलो, मेलो, माइल, मीटर, इनका यूज होता है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। स्टूडेंट ये आपका स्ट्रक्चर दिया है कि हाफ प्लस उसके बाद हम आर्टिकल ए और एन का अगर हम यूज करते हैं और उसके बाद कोई भी यूनिट आती है किसकी, आपकी मेजरमेंट, जैसे जो भी आप यूनिट होती है जो मात्रक होते हैं फिक्स में आपके, घंटे, मिनट, मील, सेकेंड, जो भी पाउंड वगैरह होते हैं, तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे हाफ एक किलो, हाफ एक किलो, तो ये आपने यूनिट यूज किया और उसके बाद ए, या हमने यहाँ पर यूनिट यूज किया किलो। तो मैंने बताया कि इसको साथ हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, और सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, इसलिए ये आपका गलत होगा और ये आपके ऊपर वाला सही है। नेक्स्ट बताया गया हाफ ए मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ हमने आर्टिकल यूज किया और यहाँ हमने यूनिट यूज की, यहाँ भी आपने यही सेम स्ट्रक्चर यूज किया, हाफ यूज किया, ए यूज किया, लेकिन मीटर्स आपने यूज कर दिया, इसलिए आपका रॉन्ग हो गया। हाफ एन आवर, यहाँ पर हमने आर्टिकल यूज किया उसके बाद यूनिट यूज की, और यूनिट को आपको यूज करना है सिंगुलर फॉर्म में। जब हम इसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, जब हम इसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे तो इसके साथ हमको एस का यूज नहीं करना है, अगर एस का यूज करेंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें बताया गया कि ए हाफ प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि अभी हम हाफ के बाद आर्टिकल लगा रहे थे, लेकिन अब हम हाफ से पहले आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ए हाफ किलो, ए हाफ आवर, यानी कि यूनिट भी और हाफ भी और उससे पहले आर्टिकल, तो आप इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है आपका स्टूडेंट रूल नंबर 26, वन एंड ए हाफ लो प्लस प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। यानी कि आपका स्ट्रक्चर है, पहले हम कोई भी वन यूज करते हैं, उसके बाद हम ए हाफ प्लस उसके बाद हम कोई भी प्लूरल नाउन यूज करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया है वन एंड ए हाफ क्लोज, यानी वन उसके बाद एंड यूज किया, उसके बाद हमने आर्टिकल यूज किया और ए हाफ, उसके बाद हमने कैसी यूनिट की है प्लूरल फॉर्म में यूज किया, और यहाँ पर आपकी यूनिट यूज की हुई है सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। यहां बताया गया कि जबकि ए और ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस ए हाफ का भी यूज होता है, यानी कि स्टूडेंट हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे तो उससे पहले हम आर्टिकल ए या ए एन का यूज करेंगे, और उसके बाद फिर एंड यूज करेंगे, प्लस उसके बाद हम ए हाफ का यूज करते हैं। यानी हमने यहाँ पर ए को यूज किया, उसके बाद हमने किलो को यूज किया है, और उसके बाद हमने एंड यूज किया, फिर हमने ए यूज किया, और उसके बाद आपने यहाँ पर हाफ यूज किया। ये जो आपका किलो यूज किया है स्टूडेंट, ये आपका सिंगुलर यूज किया है, इसलिए ये आपका सही है, और यहाँ पर हमने इसको प्लूरल फॉर्म में बना दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि आर्टिकल हमने यहाँ पर एन यूज किया, उसके बाद हमने सिंगुलर नाउन यानी कि हमने आवर को यूज किया, उसके बाद हमने एंड को यूज किया, उसके बाद हमने ए यूज किया, और उसके बाद हमने हाफ को यूज किया। अगर हमने यहाँ यूनिट को अगर हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, यानी इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया एस, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा कि ए यानी कि ए और एन आर्टिकल, उसके बाद सिंगुलर उस नाउन यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम एंड यूज करते हैं, उसके बाद हम ए आप किलो का भी यूज कर सकते हैं, यानी हाफ से पहले भी आप यूज कर सकते हो और ए आपका भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रूल है आपका स्टूडेंट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी प्लूरल नंबर प्लस एन ए हाफ, या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस एंड ए हाफ प्लस प्लूरल का भी हम यूज कर सकते हैं। यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं जो संख्यावाची जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, स्टूडेंट वन टू थ्री इस तरीके से। तो हमने अगर पहले क्या करना है आपको कि कोई भी आपको न्यूमेरिकल यानी एडजेक्टिव यूज करना है, उसके बाद आपको प्लूरल फॉर्म यानी प्लूरल नाउन यूज की गया आपने यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रपोजिशन एंड यूज किया, उसके बाद आप ए हाफ का यूज। अगर आपकी ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है तो सही है, लेकिन नीचे वाला गलत इसलिए हो गया कि यहाँ आपने क्या किया स्टूडेंट, ये आपने सिंगुलर यूज़ किया, इसलिए आपका गलत हो गया। यानी कि हम कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, उसके बाद हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, प्लस एंड यूज़ करते हैं, प्लस ए हाफ यूज़ करते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर सही होता। जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल बताया गया फाइव आवर एंड ए हाफ, यानी फाइव आपका नंबर है, उस न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, उसके बाद हमने यहाँ यूनिट यूज़ किया प्लूरल नाउन ने, उसके बाद हमने प्रपोजिशन एंड यूज़ किया, उसके बाद हमने ए हाफ यूज़ किया, इसलिए सही है, और यहाँ पर हमने आवर यूज़ किया, इसलिए ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका टू एंड ए हाफ क्लोज, तो हाफ ए क्लोज ये आपका सही है, यहाँ पर हमने ये टू एंड ए हाफ क्लोज, तो ये स्टूडेंट आपका गलत हो जाएगा, ये कोई इसमें हमने दोनों में यूज कर दिया, तो यहाँ पर एस का यूज नहीं करेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में आपका बताया गया कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके, सम ऑल
और मैनी फ्यू इटीसी को भी हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। ये आपके नंबर्स तो होते हैं स्टूडेंट 1 2 3 इस तरीके से, लेकिन उसके बाद आपका सेम ऑल मैनी फ्यू और ये भी आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आपको इनको सेम इसी तरीके स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है। नेक्स्ट रूल आपका कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन का यूज होता है। स्टूडेंट आपकी जो कार्डिनल एडजेक्टिव और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव सेम होते हैं, ये जो आपके कार्डिनल होते हैं ये आपकी पोजीशन बताते हैं कि कोई क्वांटिटी कितने में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो यहाँ मैंने बताया गया आपका कार्डिनल कोई भी एडजेक्टिव है उसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल रूल है आपका, यानी कि 5 किलोमीटर्स, 5 यहाँ हमने क्या यूज़ किया स्टूडेंट, यहाँ हमने यूज़ किया है कार्डिनल एडजेक्टिव्स और उसके बाद हमने यूज़ किया यहाँ पर ये आपका प्लूरल नाउन। यानी अगर हम किलोमीटर यूज़ करते तो सिंगुलर होता और इसके साथ हमने एस को यूज़ किया है, इसलिए ये बन गया आपका प्लूरल फॉर्म और ये आपका इस तरीके से सही है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट आपको एक नोट बताया गया है कि एक कार्डिनल एडजेक्टिव उसके बाद हाइफन, ये आपका एक डैश होता है स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम कोई भी सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, देखो कितना अच्छा रूल है इसमें कि यहाँ इफ 5 उसके बाद हमने ये हाइफन स्टूडेंट, एक साइन होता है जब हम कोई भी वर्ड, जैसे कोई भी आपकी मीनिंग बड़ी होती है वो ज़्यादा अक्षर में, तो उसका क्या होता है कि आपने कुछ देखा हो कि आधी मीनिंग आपकी कुछ वर्ड ऊपर रह जाते हैं और कुछ वर्ड नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर इस हम साइन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ बताया गया कि हम अगर कोई भी एक उसके बाद कार्डिनल एडजेक्टिव यूज़ किया और उसके बाद हमने हाइफन यूज़ किया है तो उसके बाद आप सिंगुलर नाउन का यूज़ करोगे। किस नाउन का? सिंगुलर नाउन का। तो A5 उसके बाद हमने हाइफन का यहाँ पे साइन लगाया, उसके बाद मैन और एक कमेटी। यहाँ पर हमने प्लूरल, ये मैन जो यूज़ किया स्टूडेंट, ये यूज़ किया हमने प्लूरल नाउन, इसीलिए आपका गलत हो गया, और मैन यहाँ यूज़ किया हमने सिंगुलर नाउन, तो इसीलिए आपका सही हो गया। नेक्स्ट इसी में बताया कि कॉर्डिनल एडजेक्टिव प्लस उसके बाद कॉर्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइपेनेशन प्लस सिंगुलर नाउन और उसके बाद हम प्लूरल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे बताया गया 5 2 रूम्स फ्लैट्स, यानी कि ये आपका 5 क्या आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, उसके बाद प्लस आपका ये क्या आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, उसके बाद ये आपका हाइपेनेशन, उसके बाद हमने सिंगुलर नाउन, उसके बाद फ्लैट्स, तो ये आपका प्लूरल नाउन यूज किया गया यहाँ पे। 5 2 रूम्स, ये आपका प्लूरल नाउन आपको यूज़ नहीं करना था, क्योंकि पहले हम लेते हैं सिंगुलर नाउन को और उसके बाद लेते हैं स्टूडेंट प्लूरल नाउन को। ये आपको रूल को इसमें ध्यान रखना है कि इसमें पहले सिंगुलर नाउन आती है और उसके बाद आपकी प्लूरल नाउन आती है। जैसे यहाँ सेकंड एग्जाम्पल में आपको समझाया कि 10 5 रुपीज़ नोट्स, यहाँ 10 स्टूडेंट आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, उसके बाद 5 भी आपका कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, उसके बाद हमने हाइफन का यहाँ पे साइन को यूज़ किया, उसके बाद जो आपका रुपी है ये सिंगुलर नाउन है और नोट्स क्या आपका प्लूरल नाउन है, यानी पहले आपको सिंगुलर नाउन को लेना है उसके बाद हमें लेना होता है प्लूरल नाउन को। तो यहाँ हमने इस पहले यहाँ या क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर इसको प्लूरल बना दिया, इसलिए आपका गलत हो गया, और ऊपर वाले में हमने सही स्ट्रक्चर यूज़ किया, यानी पहले सिंगुलर उसके बाद प्लूरल, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट रूल आपका प्रोनाउंस। स्टूडेंट कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो आपके, उनका अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, जैसे आपको कोई भी पूछ सकता है कि जैसे आपको आई का प्लूरल फॉर्म बताओ तो आप कैसे बनाओगे, आई का स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म होता है वी, ही का दे, दिस का दीज, हिज का देयर या देयर्स, इट्स का देयर होता है, मी का अस होता है, हर का देम होता है, योर सेल्फ का योर सेल्फ्स होता है, आइदर का बोथ होता है स्टूडेंट्स, यू का यू होता है, सी का दे होता है, दैट का दोज होता है, हर का देयर होता है, हर्स का देयर्स होता है, हिम का देम होता है, माइन का आवर होता है, इट्स का वोथ होता है और माई का आवर होता है। तो ये स्टूडेंट आपकी थी प्रोनाउन जो नाउन की, ये आपके नाउन है उनकी जगह पर हम प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं उनके हम प्लूरल फॉर्म इस तरीके से आप बना सकते हो। तो स्टूडेंट ये है आज की हमारी लास्ट रूल इस वीडियो का। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आपकी अपनी कमेंट, अपनी जो प्रॉब्लम है आप मुझसे वो आप डिस्कस कर सकते हो। ये बताया गया एक्सिलरी वर्ब एंड जो मेन वर्ब जो होती है स्टूडेंट, उनको हम कैसे सिंगुलर से आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपकी सिंगुलर फॉर्म में एम और एम का प्लूरल फॉर्म बनता है आपका स्टूडेंट्स आर, वॉश का बनता है आपका वर, डस का डू, रीड्स का रीड। देखो जो अगर कोई भी जो फॉर्म होती है स्टूडेंट, वो जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी प्लूरल फॉर्म में, और उसके साथ हम कोई भी एस या ई एस जोड़ देते तो वो आपकी
सिंगुलर फॉर्म में बदल जाती है। सो यहाँ एस लगा हुआ है तो ये आपकी सिंगुलर फॉर्म है, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा आपका रेड। इट का आर होता है स्टूडेंट्स, हैज का हैव होता है, राइट्स का राइट, और कुक्स का कुक। नाउन में स्टूडेंट ये बताया कि नाउन में अगर हम एस या ईएस या आईएस जोड़ कर हम क्या बना सकते हैं, उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्ब में अगर हम एस ईएस और आईएस जोड़ते हैं तो उसको सिंगुलर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी भी अगर नाउन में एस और ईएस और आईएस अगर हम ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और अगर किसी वर्ब की अगर हम फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एस या ईएस या आईएस ऐड करते हैं तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं तक, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.